चलिए दोस्तों, आज की भी न्यूज चालू करते हैं हुआवी के न्यूज के बारे में। पिछले दो तीन दिन से आपको बता रहा हूं कि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली रिचर्ड यू, ये जो कंज्यूमर हुआवी कंज्यूमर मोबाइल कंज्यूमर बिजनेस के हेड है, उन्होंने कहा है कि हमारा खुद का जो ओएस है वो आने वाला है अगले साल ऑटम में, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, ज्यादा से ज्यादा 2020 के सेकेंड क्वार्टर में आएगा। इसका मतलब कुछ एक साल और लगने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने हमें बैन कर दिया, हमको उनसे दूर नहीं जाना है, लेकिन वो अब फोर्स कर रहे हैं। यूएस के जो लोग हैं पॉलिटिक्स की वजह से ये सब कर रहे हैं, हमें नहीं करना है, फिर भी ये खुद से करना पड़ रहा है। अब आपसे दोस्तों एक सवाल है, ये जब नया ओएस आएगा, ओएस आजकल लाना और एंड्रॉयड के साथ कंपीट करना इज अ बिग थिंग, बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है हुआवी का जो ओएस होगा कैसे होगा, एंड्रॉयड के सामने खड़ा रह पाएगा? जरूर बताइएगा। और दोस्तों सैमसंग बहुत अच्छा कर रहा है इस साल, पहले फर्स्ट 4-5 महीने में तो, क्योंकि उन्होंने ए सीरीज लाए, एम सीरीज लाए। जब एम सीरीज उन्होंने लॉन्च किया था, स्पेशली M10, M20 और M30, एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि भाई उसके ऊपर एंड्रॉयड पाए नहीं था, और उन्होंने कहा था कि अगस्त में आने वाला है। थैंकफुली एक बड़ी न्यूज, अच्छी खबर है एम सीरीज के फोन जिन्होंने बाय किए, M10, M20 और M30, पाए अपडेट June 3 से रोल आउट चालू हो रहा है। इसका मतलब उन्होंने कहा था अगस्त में आएगा, लेकिन दे रहे हैं जून में। ये अच्छी बात है, सैमसंग ऐसे ही करते रहिए, बहुत सारे लोग आपके फोन्स खरीदेंगे। शाओमी वगैरह से जो मार्केट शेयर चला गया शायद वापस भी आ सकता है। सैमसंग की तरफ से ही और एक खबर आ रही है, और इस टाइम ये है एक पेटेंट। गैलेक्सी फोल्ड के बारे में तो आपको पता है क्या हो गया लॉन्च होने के बाद, जब वो रिव्यूअर्स के हाथ में गया तो गैलेक्सी फोल्ड की स्क्रीन का प्रॉब्लम था। अब उन्होंने कहा कि हम अल्टरनेटिव निकालते हैं गैलेक्सी फोल्ड के लिए। गैलेक्सी फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड होता है, अब ये जो नया पेटेंट है वो है फोल्ड आउट डिजाइन, मतलब जो डिस्प्ले होगा वो बाहर की तरफ होगा और बाहर की तरफ से वो फोल्ड होगा। अब जब आएगा ये देखेंगे, और कितना अच्छा होगा गैलेक्सी फोल्ड के कंपैरिजन में, जब आएगा तब पता चलेगा। अभी सिर्फ पेटेंट मिला है, आने को बहुत टाइम। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 422। दो जबरदस्त वीडियो आज हमने अपलोड किए, एक तो ऑक्सीजन ओएस के नए फीचर्स जो आए हुए हैं, इंडिया सेंट्रिक और ग्लोबली दोनों के बारे में बताया हुआ है, जरूर देखिएगा हमारे हिंदी चैनल पे। हमारे मराठी चैनल पे गिव अवे चल रहा है एयर डॉट्स का, जो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा हमारे मराठी चैनल पे। जी हाँ, उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, दोनों भी देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए। वैसे दोस्तों आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को बजा दीजिए। वैसे दोस्तों आपको एक बात बतानी है, अगले 5 दिन मैं नहीं होने वाला हूँ इंडिया में, मैं जा रहा हूँ आज ही शाम को ताइवान। जी हाँ, कॉम्प्यूटेक्स 2019 ये इवेंट हो रहा है, उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। तो अगले 5 दिन की जो टेक न्यूज़ है वो आएगी ताइवान से, इसीलिए दोस्तों थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, कभी लेट आ जाएगी, थोड़ी जल्दी आ जाएगी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर रोज़ आपको टाइमली न्यूज़ मिले। दूसरी बात, उधर से कुछ व्लॉग वगैरह भी शूट करने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी आने वाला है वो व्लॉग वगैरह, तो उसके लिए ज़रूर रुकिएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों शाओमी की तरफ से, बहुत सारी खबरें हर रोज आ रही है, स्पेशली K20 फ्लैगशिप के अराउंड। K20 फ्लैगशिप के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि उनके जो CEO है या फिर जनरल मैनेजर है, उन्होंने कहा कि ये जो मेन है वो K20 फ्लैगशिप है, लेकिन स्टार्टर भी कुछ है उसमें लॉन्च होने वाला है, और वो बात कर रहे हैं 7A के बारे में। सब डिटेल्स बाहर आ गए हैं, 7A ये जो देश का स्मार्टफोन है, देश का नया स्मार्टफोन है, और तीसरा होने वाला है 7A। 5.45 की HD स्क्रीन है, 4000 mAh की बैटरी है। सबसे बड़ा हाईलाइट दोस्तों इसमें है, ये आने वाला है एक नए प्रोसेसर पे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर पे होगा। अब इसकी भी प्राइस क्या होगी ये जब इंडिया में आएगा तब देखेंगे। मई 28 को K20 के साथ लॉन्च होने वाला है 7A, और उसके बाद में जून में इंडिया में आ जाएगा 7A। जो A सीरीज है एंट्री लेवल, बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो ये 7A भी बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं K20 के बारे में। जी हाँ, सभी के आंख और कान उसी के ऊपर लगे हुए हैं कि क्या हो रहा है इसके बारे में। तो और नए फीचर्स बाहर आ गए हैं, अब इस टाइम आ गए हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हमारा जो साउंड क्वालिटी है इस टाइम इतना अच्छा होने वाला है कि फ्लैगशिप लेवल के जो फोन है उसके साथ भी आप कंपेयर करोगे तो उससे भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अब एक फिजिकल कैविटी अंदर, ऑडियो की कैविटी जो होती है वो होगी, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा साउंड आएगा, बहुत अच्छा या फिर बड़ा साउंड आएगा, एंड क्लियर भी आएगा। जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन दो तीन चीजें मुझे K20 के बारे में अच्छी लग रही है। सबसे पहला तो जी हां, 3.5 mm जैक, उसका जो डिजाइन है वो कल मैंने आपको दिखाया, बहुत अच्छा है।
अब ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 दिन रह गए हैं लॉन्च होने को, आने के बाद सब कुछ बताएंगे। वैसे अगली न्यूज़ से पहले दोस्तों, क्या आपको पता है हमें क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? आपके लाइक्स। कीजिए, अटेंडेंस लगाइए। और आज की सबसे बड़ी खबर, K20 Pro जो फ्लैगशिप लेवल का है, जिसमें Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर आता है, उसके प्राइजेस बाहर आ गए हैं। 3 वेरिएंट्स होने वाले हैं इसमें दोस्तों, 6GB 64GB, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। अब 6GB 64GB की जो प्राइस है वो है 2599 yuan, इसका मतलब कुछ 26-27 हज़ार जब इंडिया में आएगा। और जो पहले लीक हुए थे प्राइजेस उसी के हिसाब से, तो स्टार्टिंग प्राइस विल बी 2599 yuan। जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है दोस्तों वो है 2999 yuan, 8GB 128GB का, इसका मतलब कुछ 31-32 थाउजेंड जब इंडिया में आएगा। अब जब आएगा तब देखेंगे। बट दोस्तों आपको एक चीज बतानी है, क्या Redmi फ्लैगशिप अलग आएगा, पोको F2 अलग आएगा, या फिर वो जो Redmi फ्लैगशिप है K20 Pro के नाम से जो चाइना में लॉन्च होगा वही इंडिया में पोको F2 के नाम से होगा? क्योंकि आइडियली पोको F1 का ये सक्सेसर लग रहा है किसी भी तरह से आप देखिए। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। दोस्तों अगर 2-3 साल पहले आप YouTube पे आते थे, तो अगर आप ट्रेंडिंग पे जाते थे, अगर आप होम पेज पे देखते थे YouTube खोलने के बाद, तो कैसे वीडियोस देखते थे? अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। और अब गूगल ने कहा है कि वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। पहले तो लोग फिजिकली देखते थे कि भाई कौन सा खराब वीडियो है, गलत वीडियो है, किस चीज में गलत गलत चीजें डाली हुई हैं, वो निकालते थे। अब उन्होंने ट्रैशी वीडियो क्लासिफायर नाम का एक AI एल्गोरिदम डाल दिया है, जो खुद से ही, मतलब सॉफ्टवेयर देखता है वीडियो को खुद से ही, और फिर उसको पता चलता है कि भाई इसमें अच्छी चीज़ें नहीं है, और वो निकाल देता है होम पेज से ताकि आपको वो ना दिखे। एडवर्टाइजर्स को भी ऐसे वीडियोस पसंद नहीं आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पहले लोग करते थे वो अब AI कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आगे आगे आपको सुनाई देगी, लेकिन एक बात अच्छी है, YouTube का जो होम पेज होगा वो अब क्लीन होगा, अच्छे वीडियोज़ आपको दिखेंगे जैसे कि हमारे। चलिए अब बात करते हैं गूगल के फोन की, गूगल पिक्सेल 4 के बारे में। हाँ जी हाँ, अभी 1-2 महीने पहले ही पिक्सेल 3, 3 XL, 3A वगैरह लॉन्च हुए हैं, लेकिन पिक्सेल 4 के लीक्स आने चालू हो गए हैं। 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त होने वाली हैं। एक तो ऐसे कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी बटनलेस, मतलब कोई भी बटन नहीं होगा, कैपेसिटिव टच बटन्स होंगे अगर होंगे तो, लेकिन फिजिकल बटन्स नहीं होने वाले हैं। दूसरी चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम पिक्सेल 4 में डुअल कैमरास होंगे, और सिर्फ पीछे की तरफ नहीं आगे भी। अभी तक जो भी पिक्सेल फोन आए थे सिर्फ सिंगल कैमरा के साथ आए थे एंड टॉप का कैमरा था, अब ये डुअल कैमरास होने वाले हैं आगे भी और पीछे भी। अब डुअल कैमरास आने के बाद पिक्सेल के ये डुअल कैमरा जो है क्या 4 चांद लगाएंगे ये हमें देखना है, बट आई एम श्योर सबसे ऊपर होंगे। क्या लगता है आपको? और दोस्तों ये जो रियलमी और रेडमी का झगड़ा चल रहा है, फोन्स के प्राइजेस नीचे आ रहे हैं, उसकी वजह से बाकी के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली उनको उनकी प्राइस घटानी पड़ रही है उनके जो फोन्स हैं, जैसे कि वीवो ने लॉन्च किया था जब V15 तो कुछ 24,000 का था, अब वो 20,000 के नीचे आ गया है। जी हाँ, कुछ दिनों के पहले उन्होंने 2000 से परमानेंटली प्राइस कट कर दी थी, अब फिर से उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2000 से और भी हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब 4000 से नीचे आके 20,000 के नीचे आ गया है वीवो V15। और अगर Y17 की बात करते हैं उसके बारे में भी कुछ ऐसे ही है, आया था तब कुछ 18-19 हज़ार का था और अब आपको मिल रहा है 15,999 को। इस प्राइस पे भी मुझे लगता है थोड़े ओवर प्राइस है, लेकिन पहले के जैसा बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए दोस्तों आज की हमारी टेक न्यूज़ होती है ख़त्म इधर ही, लेकिन उसके पहले हम जो हर रोज लेते हैं हमारे फीचर्ड सुपरस्टार कमेंटर्स का नाम, वैसे ही लेना है, ये लोग कौन है आपको पता है, रोज बताता हूँ आपको। और कल के हमारे सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं संभव महाजन, शिवशंकर नागठाणे और काशिफ अंसारी। थैंक यू यार, बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स दिए आपने, ऐसे ही कमेंट्स लिखते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे और आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैक एंड टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 422 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है। अब अगली टेक न्यूज़ आएगी ताइवान से। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।